Today I will tell you about the digital technology office skills and something about the cloud technology, cloud computing, और कुछ हमारी जो भी इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं जो हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. जैसे कि सर ने अभी कंटेंट्स बताए, तो दीज आर द टॉपिक which I will cover during this session. Managing individual behavior, the second one is the customer data and service delivery using smart devices. Cloud technology ke bare mein hum thoda bahut janne ki koshish karenge, and jo bhi Indian government websites hain jo different humko different kinds ki jo humko facility provide karte hain unke bare mein hum baat karenge, aur digital India programs kaun kaun se hamare as present hamare India mein jo chal rahe hain unke bare mein bhi thoda bahut main aapko batane ki koshish karunga. So first topic is my what is individual behavior. As you know very well, kisi bhi office management mein ya office koi bhi organizations mein jab hum work karte hain as a worker, to behavior is a very important characteristics of any employee, any worker. जो बिहेवियर है, बिहेवियर से ही हमारी एक सबसे इम्पोर्टेंट की स्किल्स है, ऑफिस स्किल्स की हम जब बात करते हैं. सो बिहेवियर जो होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच बिहेवियर्स अकर्स. ये भी हम कह सकते हैं it is a way a person react in different situations and the way someone express different emotions like anger, happiness, love, etc., sadness. ye sari cheeze ye bhi main factor hain behavior ke. aur jab do logo ke beech mein communications hota hai to usme behavior ka very important role hota hai. aapka behavior kaisa hai, aap kis tarike se usse baat kar rahe hain. So it has been observed that each person's behavior is the result of intelligence, creativity, personality and adaptability. to depend karta hai ki uski kis age ka hai, wo bhi wo karta hai, uska gender kya hai, isse bhi uska behavior mein kafi zyada effect padta hai. to some key factors that affect behavior of an individual, the first one is the personal characteristics. ये डिपेंड करता है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम एज, जेंडर, मटेरियल स्टेटस इसकी बात करते हैं, तो डिफर करता है ना एज टू एज बिहेवियर. जैसे जो बिलो 20 इयर्स एज का है उसका बिहेवियर अलग होगा, है ना, और कोई यंग है उसका बिहेवियर अलग होगा, 60 प्लस एज वालों का या 50 प्लस एज में. जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है बिहेवियर भी चेंज होते रहता है, उन्हें देखा जाता है. जेंडर का फीमेल और मेल बिहेवियर डिफरेंट होता है. मेटेरियल स्टेटस, अनमेरिड है या मैरिड है, उनका बिहेवियर उस पर भी डिपेंड करता है. तो दीज आर द फैक्टर मेक पीपल डिफरेंट. एंड सेकेंड वन इज द पर्सनैलिटी. तो पर्सनैलिटी हम बात करते हैं पर्सनैलिटी की, तो पर्सनैलिटी हम कहते हैं कि क्या आप एक, अरे यार उसकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है. तो पर्सनैलिटी इज द कोलैबोरेशन ऑफ द थ्री थिंग्स, द एटीट्यूड, नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस. अगर ये तीन चीजें आपके अंदर आ गई, एटीट्यूड, नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस, है ना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. ठीक, एक कंप्लीट पर्सनालिटी के तीन चीजों से मिलके बनती है. पर्सनालिटी मींस हाउ पीपल अफेक्ट अदर एंड हाउ दे अंडरस्टैंड एंड व्यूज देमसेल्फ. जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, हम कैसे उसको इफेक्ट करते हैं, है ना, ये सारी चीजें. एंड थर्ड वन इज द इमोशंस. हमारा बिहेवियर इमोशंस पे भी काफी कुछ एक इफेक्ट डालता है. हमारे इमोशंस किस, हमारे इमोशंस क्या हैं उस समय, जैसे कि दे आर द इंटेंस और पावरफुल फीलिंग्स दैट आर डायरेक्टेड समवन और समथिंग्स. दे क्रिएट स्टेट ऑफ रेडनेस फॉर बिहेवियर. जैसे जॉय है, हम खुश हैं उस समय, लव, सैडनेस, फियर और समवन. किसी का मूड ऑफ है तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, कोई खुश है तो उस समय उसका बिहेवियर अलग होगा. तो ये सारी चीजें, ये फैक्टर हैं. एंड फोर्थ वन इज द वैल्यू. वैल्यू भी हमारी जो एथिकल और मॉरल वैल्यूज हैं, ये भी हमारे बिहेवियर को क्या करती हैं, इफेक्ट डालती हैं उस पर, है ना,
किसी ने अगर किसी के बारे में परसेप्शन बना कि ये ठीक है तो वो उसी तरीके से बात करेगा, अगर उसको पता है यार ये गलत है, ये गलत रॉन्ग है, तो बिहेवियर वैसे ही उस रिफ्लेक्ट डालेगा उसमें। बिलीव्स, हमारा जो धारणा बनी हुई, जो विश्वास बना होता है किसी चीज़ के प्रति, हम अपना जो धारणा हमने अगर बना ली है तो हमारा बिहेवियर वैसे का, हमें अगर लगेगा कोई, जैसे सपोज कर हम फैकल्टी है, हमारे कोई स्टूडेंट है, हमने ये उस पर कर दिया कि यार ये तो एक धारणा बना ली उसके प्रति, तो हमारा बिहेवियर भी उसी प्रकार रिफ्लेक्ट करेगा उसमें। एटीट्यूड, एटीट्यूड जो है हमारा कि हम किस एटीट्यूड से को लेके हम काम कर रहे हैं किसी भी उसमें, एटीट्यूड में भी पॉजिटिव और निगेटिव है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड से हम वर्क करेंगे तो डेफिनेटली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की है वो प्रोग्रेस, एक छोटी छोटी यूनिट जो वर्कर होते हैं, एक छोटी सी यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, और उसका जो आगे प्रॉफिट और लॉस होता है वो वर्कर पे ही डिपेंड करता है। तो अगर सही एटीट्यूड से अगर वो वर्क करेगा, अगर उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी वर्क को लेके, टारगेट को लेके, गोल को लेके, तो अचीव उसको सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और पहले से हमने निगेटिव बना लिया अपना एटीट्यूड, हमने निगेटिव बना लिया तो सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो एन एटीट्यूड कैन बी एज पॉजिटिव और निगेटिव इवेल्यूशन ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट, इवेंट, एक्टिविटीज, आइडियाज, और जस्ट अबाउट एनीथिंग इन एनवायरमेंट। एंड द नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। एज यू नो वेरी वेल, आजकल हम क्या कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट सभी लोग इंटरनेट का यूज करते हैं किसी न किसी रूप में, है ना। एक नेसेसिटी की नेसेसिटी बन गई है हमारी, ये जो हमारी डे लाइफ है या हमारे जो भी वर्किंग हमारा इन्वायरमेंट है, तो इंटरनेट का क्या हो गया, काफ़ी हैबिचुअल हो गए हैं या उसके बिना हमारा काम चलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो कौन कौन से इम्पैक्ट हैं, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट और कंज्यूमर बिहेवियर, जो कंज्यूमर है हमारा उसके बिहेवियर पे इंटरनेट का क्या, कैसे इंटरनेट उसको इफेक्ट डालते हैं, कैसे इंटरनेट के माध्यम से हम उसका बिहेवियर को अलग डिफरेंट हम कर सकते हैं। तो वॉर्म, WOM, वॉर्म इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ, ए पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विस। सो इंटरनेट की बात हो रही है तो ऑनलाइन इंटरनेट जो हमको ऑनलाइन फैसिलिटीज, कोई भी वर्क हम जो है उसको हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे हम उसको, या कहीं पे हम बैठे हुए हैं तो हम सारा वर्क कर सकते हैं ऑनलाइन। और इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ हम इसको बोल सकते हैं ईवॉर्म, एक तो वर्ड ऑफ माउथ हुआ, और अगर हम ईवॉर्म की बात कर रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ हमने कहा यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैं कोई प्रोडक्ट लेके आया, मैंने उसकी पब्लिसिटी कर दी, मैंने उसकी फीडबैक दे दिया कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। अगर मैं किसी को कहूँगा नहीं नहीं ये प्रोडक्ट मत लेना, इस कंपनी का प्रोडक्ट मत लेना, या ये चीज़ सही नहीं है, तो ये हुआ वर्ड ऑफ माउथ। और दूसरा होता है ईवॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक। जैसे आपने अमूमन देखा होगा इंटरनेट पे क्या होता है कि हमारे जो फीडबैक वगैरह, या उसका जो हम जो उसके रिव्यू देते हैं इंटरनेट पे, जो हम पढ़ के हमने कहा कि यार हमको ये प्रोडक्ट लेना है या हमको ये चीज़ लेनी है, तो हम उसके रिव्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, है ना, उसकी रेटिंग देखते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं, तो इन चीज़ों से भी फर्क पड़ता है। तो सभी ऑनलाइन कौन दे रहा है रिव्यूज़ वगैरह, कस्टमर ही दे रहा है। तो ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ, इसको हम बोलते हैं ईवॉर्म, इज ए फॉर्म ऑफ वॉर्म वेयर इंटरनेट यूजर प्रोवाइड रिव्यूज एंड रैंकिंग टू ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स एंड सर्विसेज ऑफ रिव्यू साइट्स। तो आप देखेंगे अगर आपको कोई सपोज करो कोई भी टीवी लेना है या कोई कंप्यूटर लेना है, कोई लैपटॉप लेना है, तो आप जाइए उस साइट से, उसके रिव्यूज, उसकी रैंक्स वगैरह देख के हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ ये ठीक है या नहीं है। एंड इट इज ए डिफाइंड ऑफ एनी पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट, ये भी हम देखते हैं कि कितने लोगों ने पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखे हैं, कितने लोगों ने निगेटिव स्टेटमेंट हम उसको दिए हैं, मेड बाई पोटेंशियल एक्चुअल और फॉर्मर कस्टमर अबाउट ए प्रोडक्ट और कंपनी। जो उसको यूज कर चुके हैं वही उसके कमेंट्स देगा, तो हम उस कमेंट्स को पढ़ के भी हम एक बार आइडिया लगा लेते हैं कि ये किस टाइप का प्रोडक्ट होगा। तो उस प्रोडक्ट के लिए हमारा बिहेवियर बन जाएगा कि हाँ ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तभी हम उसको आगे जाके परचेज करेंगे। तो ये सब ऑनलाइन जो यूजर होंगे वो अपने रिव्यूज वगैरह देते हैं इसमें, तो ये इम्पैक्ट होता है इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट और कंज्यूमर बिहेवियर। तो इंटरनेट हमको इस तरीके से इम्पैक्ट डाल सकता है वो। एंड सेकेंड वन इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन कंज्यूमर डिसीजन। अब इंटरनेट और सोशल मीडिया दोनों एक ही सिक्के के दोनों वो हैं, तो सोशल मीडिया पे आप जितने भी फेसबुक वगैरह देखोगे या और भी कई साइट्स हैं हमारी, तो उस वो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कंज्यूमर डिसीजन पे। डिसीजन मीन परचेज करना है या नहीं करना है, ये सारे हमारे डिसीजन हैं, बिजनेस डिसीजन हैं। कंज्यूमर्स यूज सोशल मीडिया फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इमीडिएट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन
at their convenience, helping them to decide what to buy or to know more about new product or brand when and where they want. तो हम सोशल मीडिया पे हम ये डाल देते हैं, कई बार हमने देखा कि हमको कोई सपोज करो हमको कोई लैपटॉप लेना है, तो हमने उसमें अपने सोशल मीडिया साइट्स पे डाल दिया कि हमें उसके बारे में फीडबैक लेना है, तो कई तमाम लोग उसके बारे में बोलेंगे, पॉजिटिव भी बोलेंगे, निगेटिव भी बोलेंगे, तो ये सारी चीज़ें ये इम्पैक्ट डालती है हमारी सोशल मीडिया, हमारे जो कंज्यूमर डिसीजन है उस पर भी इम्पैक्ट डालेंगे. सोशल मीडिया इज बिलीव्ड एज ए मोर ट्रस्टवर्दी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन व्हेन कंपेयर्ड to corporate communications and advertisement. It has a deep impact in decision making capacity of users. Social media के social media अगर आप use करते हैं, social media की help से आप अगर कोई चीज़ वो करते हैं, तो उससे भी हमारे decision making पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा. ये हमारा new topic है. Customer data management. Customer data management, it is a practice of ethically collecting, securely storing and managing a database of customer information for the purpose of improving a company overall services, processes and products. So, इसमें क्या होता है कि एक टाइप का कस्टमर का डेटाबेस हो गया. कई बार आप देखते होंगे कहीं मॉल वगैरह में आप जाते हैं या कहीं भी आप जाते हैं, तो आपसे वो क्या कर लेते हैं, आपका फोन नंबर वगैरह ले लेते हैं, कई जगह आपकी ईमेल आईडी वगैरह भी आपसे ले ली जाती है. तो वो क्या है कि आपकी इन्फॉर्मेशन वो क्या कर देते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं. तो आने वाले टाइम में या कुछ कभी उनके वहाँ कोई स्कीम्स चलती है या कोई भी ऑफर वगैरह आता है, तो आपको मैसेजेस वगैरह वो सारी चीज़ें आती हैं. तो ये क्या है कि आज के टाइम पे सारा ऑनलाइन चल रहा है, तो एक एक तो होता है मैनुअल डेटाबेस बनाना और एक होता है कंप्यूटराइज डेटाबेस, है ना. कंप्यूटराइज डेटाबेस जिसको हम DBMS भी कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि सारा जो हमारा है जो भी डेटा हमारा हो रहा है, स्टोर करने से लेके उसको मैनेज करने से लेके उसको डिस्ट्रॉय करने तक की सारी जितने भी एक्टिविटी हैं, तो वो सारी चीजें हमारी क्या होंगी, कंप्यूटराइज होंगी. सो ये कस्टमर डेटा मैनेजमेंट की बात हो रही, तो जो भी हमारा कस्टमर है तो उसका डेटाबेस हमको क्या करना है, मैनेज करना. तो ये प्रैक्टिस है कलेक्ट डेटा को कलेक्ट करने की, सिक्योरली स्ट्रॉन्ग, हमको उसको सिक्योर भी करना है और मैनेज भी करना है, जिससे क्या होगा हमारी कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उससे क्या होगी, ग्रो करेगी और कस्टमर की इंफॉर्मेशन भी हमारे पास स्टोर रहेगी कि फ्यूचर में हम उसको यूज कर सकें. और इससे क्या होगा, इससे एक फायदा ये भी होता है कस्टमर डेटा मैनेजमेंट से, क्या होता है कि जो हमारी कंपनी की जो सर्विसेज हैं वो क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, है ना. कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर से फीडबैक भी ले लिया जाता है, तो उस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी सर्विसेज वगैरह को क्या करते हैं, इंप्रूव करते रहते हैं. प्रोसेस में काम, प्रोसेस की स्पीड बढ़ जाती है प्रोडक्शन, और उसकी स्पीड भी उस कस्टमर डेटा मैनेजमेंट की हेल्प से हम बढ़ा सकते हैं. द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव कस्टमर डेटा मैनेजमेंट कैन इंक्लूड इंक्रीज सेल्स, हमारी सेल्स, उसमें मैंने जैसे बताया आपको सेल्स बढ़ेगी उससे, मोर इफेक्टिव मार्केटिंग कंपेनियन, अब आपके उनके पास आपका डेटाबेस, आपका डेटा कंपनी के पास है, ऑर्गेनाइजेशन के पास है, तो वो कोई कंपेनिंग वगैरह चलानी है, उन्होंने मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट करना है, तो आपको मैसेज या सोशल साइट्स के थ्रू आपको बता सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में. इससे एक फायदा ये भी होगा कि सारा डिजिटल जितना भी जो भी प्रमोशन वगैरह हो रहा है सब डिजिटल हो रहा है, इसमें खर्चा काफी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और कस्टमर के साथ रिलेशनशिप भी क्या हो जाती है, एस्टेब्लिश हो जाती है. सर्विस डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी कैन बी डिफाइंड एज एनी कॉन्टेक्ट विद द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग विच कस्टमर, सिटीजन, रेजिडेंस और enterprises seek or private data, handle their affairs or fulfill their duties. These services should be delivered in an effective, predictable, reliable and customer friendly manner. तो ये क्या है कि इससे हमारा क्या होगा, customer friendly manner में हमारा क्या होगा, work होगा. Customer friendly मतलब customer friendly तभी होगा जिस customer friendly manner तभी हम उसको कहेंगे जिससे customer का satisfaction level क्या हो, काफी ज्यादा बढ़े, और वो तभी बढ़ेगा जब क्या होगी, रिलायबिलिटी इंक्रीज होगी. अगर हमारी किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी चीज के बारे में हमारी, हम ज्यादा रिलायबल होते हैं तो ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली, हमारा उस पर विश्वास ज्यादा होगा, रिलायबिलिटी बढ़ेगी तो हमारा जो है कस्टमर और ज्यादा उससे जुड़ेंगे. और इफेक्टिव, प्रेडिक्टेबल, ये सारी चीजें, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीजें हमारी इंक्रीज हो जाती है. ड्यू टू रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, electronic service delivery is an effective means to reduce cost both in time and money for the customer as well as the government.
तो हमारी जितने भी ये जो हमारी जो आजकल सर्विस है, जो हमारी जितने भी हम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं या जो भी हमारी जो इंटरनेट मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं, इसको करने से क्या होगा, एक तो कॉस्ट हमारी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है ना, और टाइम और मनी दोनों सेव हो जाती है, और बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस भी खुले रहते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोई चीजें कर रहे हो तो आप एक प्रोडक्ट के बारे में देखोगे तो 10 चीजें आपको मिलेंगी, आप रिव्यूज घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं ऑनलाइन उनको सारी चीजें। तो ये सारी चीजें, इससे फायदा होता है जो ऑनलाइन हमारी जो शॉपिंग है या ऑनलाइन जो डिजिटल मार्केटिंग है, या इससे हमारे को ये फायदा हमारा हो सकता है। टाइम हम किसी भी टाइम, एनी एनी टाइम, किसी भी 24 घंटे 7 दिन हम कभी भी कहीं पे भी ये चीजें हम यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं घर बैठे बैठे, आपको शॉप पे जाने की या मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। और कुछ चैलेंजेस हमारे हैं, जो चैलेंजेस फेसिंग मोबाइल सर्विस डिलीवरी स्ट्रेटेजी, क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आ सकती हैं, तो इसमें फर्स्ट जो हमारा है वो है अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, देयर एटीट्यूड एंड प्रेफरेंसेस। ऑनलाइन में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती है कि कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग, जैसे आप किसी शॉप वगैरह में जाते हो तो जो शॉपकीपर है वो आपके हाव भाव से या उससे आपकी वो समझ जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है। आप या तो सामान खरीदोगे या वो है, उसमें कोई ऐसी बार्गेनिंग की या वो आपको ज्यादा माउथ है ना, उससे नहीं बता सकता है, सब सारी चीजें ऑनलाइन ही होंगी। तो कस्टमर और उसका एटीट्यूड और उसको समझने में थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकती है। आइडेंटिफाई हाई वैल्यूम एप्लीकेशंस और ट्रांजेक्शन सुटेबल फॉर ए मोबाइल ऐप। अब सारे काम आप मोबाइल ऐप में कर रहे हैं तो आपको सारे वो चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन से हार्डवेयर हैं या सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी आपको, ये थोड़ा सा ये भी चैलेंजेस हैं जो ऑनलाइन मोड में वर्क करने के लिए। एंड डिटरमाइनिंग विच हार्डवेयर डिवाइस फीचर्स आर नेसेसरी, कौन से हार्डवेयर हमको लेना है, उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, ये भी हमको जानने की आवश्यकता होती है इसमें। और कौन कौन से एप्लीकेशन हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन से हम यूज होंगे, वुड ए वेब बेस्ड सॉल्यूशन बी ए बेटर फिट। और नेक्स्ट है हाउ विल कंटेंट टू अलाइन अक्रॉस मल्टीपल चैनल इंक्लूडिंग वेब, मोबाइल वेब और मोबाइल एप्स, इनकी भी आपको इसमें भी आपको यूज करना इसको आना चाहिए। ऐप स्टोर मेंटेनेंस एंड अपडेट, टाइम टू टाइम हमको अपडेट और मेंटेनेंस हमको इसमें करनी पड़ती है। कोई हमको इन्हेंसमेंट, करेक्ट, कोई हमने ऐप है हमारा, उसको एक टाइम के बाद हम उसको अपडेट करना पड़ता है, या उसमें कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से अपना ऐप बनाया तो उसमें अलग अलग टाइप के मेंटेनेंस हो सकती है। अपडेट उसमें हम कोई नया फीचर्स उसको जोड़ना है वो उसमें जोड़ेगा, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में वो उसको करेक्ट करना है, तो ये चीज़ें नए नए प्लेटफॉर्म में वो ऐप चलाना है हमको, नए हार्डवेयर में हमको चलाना है, वो भी हमारा चैलेंजेस इसमें आ सकता है। इंश्योरिंग एप्लीकेशन इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी टू एजेंसी कस्टमर्स, तो ऑथेंटिसिटी जो है वो भी एक बहुत बड़ा हमारे सामने एक चैलेंजेस है ना, जो सिक्योरिटी है या उससे ऑथेंटिसिटी से क्या होगा कि ऑथेंटिक अनऑथराइज यूजर उसको यूज ना कर सके, हैकर वगैरह आपके आपको लॉस ना पहुंचाए मॉनेटरी फॉर्म में या किसी अदर फॉर्म्स में, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो ये फेजेस जब आप ऑनलाइन वगैरह करते हैं, ऑनलाइन मोड में वर्क वगैरह करेंगे किसी भी ऑफिस उसके अंदर, तो ये सारी चीजें, ये चैलेंजेस आपके सामने आ सकती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लाउड टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। इसमें क्लाउड टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा, पहले जब वर्क होता था तो पहले तो मैनुअल उसमें होता था, अर्ली इरा में है ना, आज से 50 साल 60 साल पहले सारा सब मैनुअल चलता था। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे सब क्या हुआ, कंप्यूटराइज होते गया, और आज के टाइम पे ये है कि कंप्यूटर के बिना काम करना या जीना मुश्किल हो गया इंसान का, मतलब काफी टफ है ना, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी होनी है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हम, मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा, जैसे आपने क्या किया, आपने कोई नई फर्म खोली अपनी है ना, एक कंप्यूटर लिया आपने, आपके हो सकता है 2-3 वर्कर ही हो, तो जो आपने फर्म स्टार्टिंग आपने किसी फर्म की खोले, कोई इंटरप्राइज कोई ऑर्गेनाइजेशन आप खोलना चाह रहे हो, तो आपने क्या किया, एक सिस्टम खरीदा, एक या दो कंप्यूटर खरीदे अपने वर्कर के, अपने कस्टमर के, उन सारी इंफॉर्मेशन वगैरह आपने उस कंप्यूटर में रखनी शुरू कर दी। ठीक है, धीरे 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 क्या हुआ कि क्या होता है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्या होती है, एक्सटेंड बढ़ते जाती है, तो हमारे डेटा हमारा बहुत ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है,
जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका डेटाबेस उतना बड़ा होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे टाइम निकलता रहेगा आपको मशीन्स अपनी बढ़ानी पड़ेगी, आपने स्टोरेज पावर बढ़ानी पड़ेगी, आपको कंप्यूटेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी, आपको अलग अलग पेरिफेरल डिवाइसेस आपको बहुत सारे लेने पड़ेंगे उसमें। तो इस केस में क्या है कि एक कॉन्सेप्ट आया लीज पे लेने का, है ना, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपके अपने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो आपको क्या करना है कि आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है, ह्यूज डेटा आपको क्या करना है, स्टोर करना है, लेकिन आपकी पास स्टोरिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है, डेटा ज्यादा है तो हमको कंप्यूटेशन पावर भी हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी उसमें। तो उस केस में क्या करते हैं, हम लीज पे ले लेते हैं कुछ, जो हम क्या करेंगे, जो जो ये क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं, क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं, उनसे हम लीज में ले लेते हैं ये स्टोरेज। हम क्या करते हैं कि अपने जो डेटाबेस है अपने कंप्यूटर में, अपने जो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें स्टोर ना करके, जैसे आपने गूगल ड्राइव का नाम सुना होगा, है ना, तो ये सब एग्जांपल है, गूगल ड्राइव हो गया, फेसबुक हो गया, या जितने भी आपकी ऑनलाइन आपका डेटा जहाँ कहीं ना कहीं पे क्या हो रहा है, जहाँ पे सेव हो रहा है, तो ये सब ये क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का ही, ये सारे क्लाउड कंप्यूटिंग की एग्जाम्पल है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए न्यू टेक्नोलॉजी फॉर स्टोरिंग एज वेल एज एक्सेसिंग डेटा प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट विद रिमोट रिसोर्सेज। तो एक जो हमारा न्यू टेक्नोलॉजी है ये, जो डेटा को स्टोर करती है, डेटा को एक्सेस कर, हम जब स्टोर होगी तो उस डेटा को हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स हम उसको एक्सेस करते रहेंगे, और प्रोग्राम और एप्लीकेशन हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। नाउ ए डेटा प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन आर इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ रैपिडली। मैंने आपको बताया जैसे जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती गई, आपका प्रोग्राम और एप्लीकेशन क्या होंगे, इंक्रीज होते रहेंगे। स्टोरिंग सच ह्यूज डेटा प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन इन वन कंप्यूटर सिस्टम बिकम डिफिकल्ट। तो एक कंप्यूटर में या लिमिटेड कंप्यूटर रिसोर्सेज में ये सारे डेटा को स्टोर करना काफी क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी क्या होती है उसकी, काफी कम होती है, उसकी हार्ड ड्राइव लिमिटेड होगी, सेकेंडरी स्टोरेज जैसे सीडी ड्राइव है, पेन ड्राइव है, है ना, ये मैग्नेटिक टेप्स वगैरह चलते थे पहले, ये क्या होंगे, सब हमारे पास लिमिटेड होता है। तो ये प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट आया, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया, और जो हो रही है आजकल डे बाय डे क्या हो रही है, काफी पॉपुलर हो रही है, ऑलमोस्ट सभी टाइप जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब क्या कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना, कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा उनका क्या हो जाए, काम हो जाए, वर्क हो जाए उनका, उनको अपने हार्डवेयर को बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो क्या करेंगे, लीज पे ले लेंगे इसको। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। इन क्लाउड कंप्यूटिंग द सर्विसेज आर द रिसोर्सेज एंड आर ओन्ड एंड मैनेज बाय द क्लाउड प्रोवाइडर रादर देन द एंड यूजर। एंड यूजर कौन है, जो यूज कर रहा है उसको, जैसे मैं बैठा हूँ, मैंने एक कंपनी खोली अपनी, मैं अपने उस पर काम करता हूँ, मैं एंड यूजर हो गया, तो मेरे को जो हमारा जो जितने भी सर्विसेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, है ना, रिसोर्सेज पे कभी हार्डवेयर की प्रॉब्लम आ गई, कभी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ गई, ये सब चीजों को मैनेज करने की जरूरत हमको नहीं है, इनको सब कौन मैनेज करेगा, क्लाउड प्रोवाइडर, जिससे आप लीज पे ले रहे हो ये सारी चीजें। एंड यूजर नीड नॉट टू बी बोदर अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ दीज सर्विसेज। क्लाउड कंप्यूटिंग जो जो सर्विसेज हमको प्रोवाइड कर रहा है उनको मेंटेनेंस करने की भी आवश्यकता एंड यूजर को नहीं है, ये भी सब क्या करेगा, क्लाउड ये जो आपका प्रोवाइडर है यही इनको वही रिस्पॉन्सिबिल है इसके लिए, मेंटेनेंस के लिए, और आपका जो जितने भी आगे रिकवरी के लिए है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए है, ये भी टेंशन एंड यूजर को लेने की आवश्यकता नहीं होती है। दीज रिसोर्सेज मे भी इंक्लूड जैसे कि ब्राउजर बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जैसे जीमेल है, याहू है, नेटफ्लिक्स है, थर्ड पार्टी डेटा स्टोरेज फॉर फोटो एंड अदर, गूगल फोटो वगैरह, गूगल ड्राइव पे आप डेटा वगैरह डालते हो, नेटफ्लिक्स पे आप जो मूवी देखते हो, ये भी सब क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एग्जाम्पल है। याहू हो गया, जीमेल हो गया, जी ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स पे आप डेटा अपना स्टोर करते हो, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग की ही एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड पार्टी सर्वर्स यूज टू सपोर्ट द कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ए बिजनेस, रिसर्च एंड पर्सनल प्रोजेक्ट वगैरह के लिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज प्रोवाइडिंग डिफरेंट फैसिलिटी एंड सर्विसेज लाइक डेटाबेसेस। ये क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे सर्वर्स, डिफरेंट सर्वर्स उसकी हमारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, डेटाबेसिस की करेगा, स्टोरेज, हमको स्टोरेज के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, एप्लीकेशन आप इसमें स्टोर कर सकते हो, है ना। बट क्या होना चाहिए इसमें, एक कंडीशन ये है कि इंटरनेट का आपका इंटरनेट की फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए, जो इंटरनेट, क्योंकि सारा जो भी क्लाउड टेक्नोलॉजी है इंटरनेट बेस्ड ही है,
Instead of storing data in local storage on the hard drive on secondary storage, cloud computing help us in storing and saving data on a remote database provided the device. And ये मैंने आपको बताई दिया कि आप अपने कंप्यूटर में डेटा स्टोर ना करके कहीं ना कहीं उसको दूसरी जगह जो हम क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से हम उसको क्या कर लेते हैं वहां सेव कर लेते हैं, जिससे हमारे सिस्टम की कंप्यूटिंग पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टोरिंग पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ड्यू टू दिस फैसिलिटी द यूजर नीड नॉट टू वरी अबाउट द स्टोरेज एंड पावर. हमको पावर की, हमारे पास अगर मान लो 100 मशीन्स लगी हुई है, 100 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो हमारी पावर ज्यादा कंज्यूम होगी, है ना. 100 कंप्यूटर हमने लगा दिए, हो सकता है किसी टाइम पे हमारे केवल 20 कंप्यूटर से यूज हो रहे हैं, कभी 50 यूज हो रहे हैं, तो बाकी हमारे क्या हो रहे हैं, वो कंप्यूटिंग पावर वगैरह और स्टोरेज पावर वगैरह हमारे सब कंज्यूम हो रही है. तो उस में ये क्या होता है, काफी बेनिफिशियल होता है. आपको जितना डेटा, जितना पावर चाहिए, जितना आपको स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, उतनी आप लीज पे ले लो, है ना. आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं. दे कैन एक्सेस देयर एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम. अब क्या है कि मेरे जैसे लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप में कोई मैंने डेटा है कहीं पे, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में कहीं डेटा मैंने अपना कोई मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया अपने कंप्यूटर में, मैंने वो सेव कर लिया, ठीक है. अब मेरे को कहीं जाना है दूसरी जगह, तो अब मेरे को क्या करेगा, अपना कंप्यूटर ले जाना पड़ेगा वहां, या अपनी पेन ड्राइव में, या है ना किसी भी सेकेंडरी डिवाइस में आपको डेटा वहां ले जाना पड़ेगा. अगर हम मोबाइल, अगर हम ये क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर रहे हैं, है ना, हमने अपने डेटा क्या कर दिया, क्लाउड उसमें स्टोर करा दिया, तो आपको ये डिवाइसेस की वहां पे जरूरत नहीं है, जो स्टोरिंग डिवाइस है वहां ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप कहीं पे भी अपने उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो. गूगल ड्राइव में आप जैसे फोटोज वगैरह कोई भी डेटा आप अपने स्टोर करते हो, तो आपको उसको ले जाने की जरूरत नहीं, किसी भी मशीन से आप उसको खोल सकते हैं, गूगल ड्राइव में जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं. Anywhere at any time, which is biggest advantage. ये सबसे बड़ा advantage होता है इसका. Many people are opting for cloud computing for a variety of reasons. आजकल जो हो रहा है ये popular हो रहा है काफी, बहुत सारे लोग, almost सभी लोग इसको use कर रहे हैं, including जिससे क्या होता है कि productivity बढ़ जाती है हमारी, better monetary values, time and speed efficient, timely और speedily हमारा work बन जाता है, security and performance के उस पर भी हम इसको, इसमें भी ये प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है ये. ऐसा नहीं कि आपका डेटा कोई अनदर पर्सन उसको वो कर ले, हैक कर ले, वो कर ले. इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग के सिक्योरिटी और के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. तो क्लाउड टेक्नोलॉजी यूज करने से आपकी परफॉर्मेंस भी, कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस भी क्या हो जाती है, काफी बढ़ जाती है. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसका कि ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है. रिसोर्सेज अवेलेबल एंड एंड 24/7 है ना, पूरे 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ऐसा नहीं है कि कभी ये स्लो हो, कभी फास्ट हो, ऐसा कोई वो नहीं है. कभी भी किसी भी समय आप इसको यूज कर सकते हैं. कैन बी एक्सेस्ड ऑफ मोबाइल विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन. विद दिस मॉडल यूजर नीड टू साइन अप टू गेट इमीडिएट एक्सेस ऑफ द क्लाउड सर्विसेज. ऑर्गेनाइजेशंस कैन ऑल्सो क्रिएट मैकेनिज्म for following employees, customer and partners to access internal cloud services on demand as per predetermined logic without needing to go through traditional IT services. जो traditional IT services मैंने आपको पहले बताई, ये जो है ये modern IT services को support करता है. तो जो हम जितनी हमको demand है उतनी हम use कर सकते हैं. Broad network access. नेक्स्ट फीचर इसका क्या है, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस. द क्लाउड सर्विसेज एंड रिसोर्सेज कैन बी एक्सेस बाय द यूजर्स थ्रू एनी डिवाइस. किसी भी डिवाइस से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं. एंड एनी नेटवर्क लोकेशन प्रोवाइडेड दैट दे हैव परमिशन टू यूज इट. बट ये है कि आप कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पे, मैंने आपको बताया, इसको आप एक्सेस कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि आप अपनी लैपटॉप से या अपनी मशीन से करो, लेकिन एक कंपल्सन इसमें यह है कि आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए वहां पे, है ना. इंटरनेट फैसिलिटी आपको अगर है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. रिसोर्स पूलिंग इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड प्रोवाइडर रिसोर्सेज आर शेयर्ड बाय मेनी यूजर्स इन ए मैनर टू कीप द डेटा ऑफ इंडिविजुअल यूजर हिडन फ्रॉम अदर यूजर्स. सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स आर वेरी वेल मेंटेन्ड. तो जो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग है ये सिक्योरिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और बहुत सारे यूजर, है ना, हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजर हों,
स्टैंड अलोन यूजर भी हो सकते हैं, नेव और कैजुअल एंड यूजर भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के एंड यूजर हो सकते हैं। वो क्या कर करते हैं कि जो क्लाउड सर्विस है उसको तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन शेयर करने के साथ साथ एक यूजर की इंफॉर्मेशन दूसरे यूजर से क्या होती है, हिडन होती है इसमें, जिससे क्या होती है सिक्योरिटी क्या होती है मेंटेन रहती है। तो रिसोर्स पूलिंग भी प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी, रैपिड इलास्टिसिटी, ये भी एक फीचर्स है इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स है। डिपेंडिंग ऑन यूजर नीड्स द क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कैन बी रैपिडली इंक्रीज, डिक्रीज और अदरवाइज मॉडिफाइड। आप अपनी जो फैसिलिटी आप ले रहे हो उसको बढ़ा भी सकते हैं, हमारी नीड्स फ्यूचर में बढ़ सकता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है या हमें लगता है कि हमें और ज़्यादा जो फैसिलिटी है उनमें हमको इन्हेंसमेंट करना है, तो इंक्रीज कर सकते हो आप, डिक्रीज भी कर सकते हैं, और कोई चीज़ आपको मॉडिफिकेशन या ऑल्ट्रेशन करना है वो भी है इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने रिसोर्सेज जितने ले लिए वो आपको हमेशा जिंदगी भर उतने आपको अवेल करने ही करने होंगे, आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। दिस इज ऑलवेज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेंजिंग द रिसोर्सेज एज पर डिमांड, जो जो हमारे कस्टमर की डिमांड्स होती है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं। मेजर्ड सर्विस, द यूजर नीड टू पे ओनली फॉर द रिसोर्सेज दे आर डिमांडिंग और से यूजिंग इन द क्लाउड। जितना यूज कर रहे हो आपको उतना ही क्या करना है, उसके लिए ही आपको क्या करना है, पे करना है इसमें। These uses of cloud resources is monitoring systematically so that business and other cloud users need only to pay for the resources they use in a given period of time. एक particular time पे आप जो facility ले रहे हो, access कर ले हो, उतना ही आपको pay करना है। Easy maintenance, end user को maintenance की कोई tension नहीं होती है इसमें, ये सब cloud provider जो भी है वो आपको सारा maintenance वगैरह सारा headache उसी का रहेगा। On the best cloud characteristics is that it is a very easy for maintenance. So cloud computing की maintenance काफी easy होती है। Economical पड़ता है ये, जितना use करना है उतना ही लो, है ना? Power के charges आपके कम हो जाएंगे। This cloud characteristics help in reducing the expenditures of existing IT of any organizations. इन आज आपको हो सकता है limited resources की जरूरत है, कल के दिन आप अपने resources आपके रिसोर्सेज की नीड्स बढ़ गई, तो आपने क्या किया क्लाउड प्रोवाइडर से इंक्रीज करा दी अपनी कि मेरे को और रिसोर्सेज दो भाई, फिर कुछ टाइम बाद आपने कम कर दिया वो, तो ये इकोनॉमिकली भी ऐसा नहीं कि एक बार आपने पूरे खरीद लिए, आपको आज 100 कंप्यूटर की जरूरत है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेसिंग पावर उसके लिए, तो हो सकता है कल को 20 की जरूरत पड़े, और बढ़ भी सकती है 100 के 500 भी हो सकते हैं, तो ये इकोनॉमिकल भी बैठता है, जितनी जितनी जरूरत है उतना ही लो। नेक्स्ट, सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड सर्विसेज क्रिएट ए रिप्लिका कॉपी ऑफ द डेटा दैट इज स्टोर्ड इन प्रिवेंट एट एनी फॉर्म ऑफ डेटा लॉस। इनके इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है रिप्लीकेटेड होता है, मीन्स कहीं ना कहीं उसका क्या बनता है, बैकअप स्टोर रहता है हमारा, जो डेटा है उसका हमारा स्टोर बैकअप क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। तो हम क्या हुआ कि कभी डेटा का लॉस हो गया तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। रिकवर तभी कर पाएंगे हम जब क्या होगा, उसका बैकअप होगा। बैकअप मतलब रिप्लिकेशन, है ना, सेम इंफॉर्मेशन रिसाइड्स ऑन डिफरेंट प्लेस कॉल्ड रिप्लिकेशन। इन केस इफ एनी वन सर्वर इज डाउन एंड लॉसेस द डेटा that the copy version of the restored from the other server. तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी सर्वर में हमारा डेटा स्टोर है और उसका बैकअप हमने दूसरे सिस्टम में, दूसरी मशीन में कहीं ना कहीं हमने स्टोर कर रखा है, तो एक के डाउन होने पे हम क्या कर सकते हैं, दूसरे से उसका बैकअप ले सकते हैं। और ऑटोमेशन, ऑटोमेसिटी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लाउड कंप्यूटिंग की। One of the essential characteristics of cloud computing is automation, the ability of cloud computing to automatically install, configure and maintain a cloud service that is known as automation in cloud computing. तो आपको जो installation होगा automatically होगा, configuration automatically हो जाएगा इसके अंदर अगर आप cloud facility ले रहे हैं, और maintenance भी automatically होती है। तो ये हमारे जो हैं automaticity, security और जो maintenance है, economical बैठता है ये, और flexibility, ये सारी चीज़ें ये इसके key features हैं, characteristics हैं cloud computing। और अब इसकी जो services हैं हमारी cloud computing की, कौन कौन सी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है हमको, सर्विसेज
क्लाइंट टिपिकली पे मंथली और एनुअल सर्विसेज फी टू प्रोवाइडर्स, है ना, मंथली कर सकते हो या एनुअली, आप मोड में आप इसको फी आपको देनी होती है जो आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है ना, ताकि आप उसकी जो रिसोर्सेज हैं, जो उसकी जो भी उसकी पावर वगैरह है, जो आप उसको एक्सेस कर रहे हो, उसके लिए हमको पे करना है. सर्विसेज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज मॉडल फॉर क्लाउड एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मॉडल्स ऑन विच द थ्री स्टैंडर्ड मॉडल आर एज फॉलो. तीन टाइप के होते हैं इसमें. एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, दूसरा है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. तो थ्री टाइप की मेन सर्विसेज की सर्विसेज है क्लाउड कंप्यूटिंग की, इनको थोड़ा सा हम देखेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज के अंदर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज अलाउ क्लाइंट टू यूज हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज रिमोटली ऑन ए पेमेंट बेसिस. इस सेक्शन में हम क्या करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है, इसमें जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, हार्डवेयर और जितने भी रिसोर्सेज हैं, टेंजिबल एंटिटीज, जितने भी टेंजिबल एंटिटीज हैं, उनको एक्सेस करता है ये. या ये कह लो कि जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो इस सेक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में ये हमारे जितने भी टेंजिबल पार्ट्स, हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज वगैरह जो भी हैं, ये इनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. दिस इज ऑल्सो रेफर टू ऑनलाइन सर्विस दैट प्रोवाइड हाई लेवल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये भी इसके अंदर है API, which is used to hide low level details of underlying network or infrastructure like physical computing resources, location, data, partitioning, scaling, security, backup, etc. आप क्या करते हो, आपने कोई मोबाइल, अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई ऐप आपने इंस्टॉल कर लिया है ना, बस आपको उससे केवल उतनी ही जानकारी आपको जाननी होती है जितना आपको यूज करना है. जो जितना भी ग्राफिकल यूज इंटरफेस दिख रहा है, आप बस वही उसको ऑपरेट करने की फैसिलिटी आपको दी जाती है इसके अंदर. अंदर कैसे उसका बैकअप तैयार हो रहा है, सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड हो रही है, कैसे उसकी डिजाइनिंग हो रखी है ना, ये सारी चीजें क्या होती है, हिडन होती है, अब्स्ट्रैक्टेड रहती है. ये आपको केवल उतना ही पोर्शन दिया जाएगा यूज करने के लिए जितना आपके लिए जरूरी है, ठीक है. ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर आता है. दिस सर्विस इज ऑल्सो पॉपुलर एज हार्डवेयर एज ए सर्विस, हाज भी बोलते हैं इसको. कंपनीज लाइक IBM, गूगल, Amazon वगैरह ये सारी चीजें प्रोवाइड करती हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस प्रोवाइड स्मॉल स्टार्टअप फर्म्स विद अ मेजर एडवांटेजेस सिंस इट अलाउ देम टू ग्रेजुअली एक्सपेंड देयर IT इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट द नीड फॉर लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन हार्डवेयर एंड पेरिफेरल सिस्टम. ये जैसे मैंने आपको बताया हार्डवेयर बेस्ड होता है. सेकेंड हमारा जो है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तो इसके अंदर क्या होता है, ये डिफरेंट होता है पहले वाले से. प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ऑफर एन एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट टू एप्लीकेशन डेवलपर. ये फोकस किया गया है जो एप्लीकेशन डेवलपर, जो प्रोग्रामर हमारे हैं, जो एप्लीकेशंस को, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, उनके वो उसके लिए क्या फैसिलिटी हमको दी जा रही है क्लाउड कंप्यूटिंग में, वो है. पहला वाला जो हमारा था हार्डवेयर बेस्ड था, दूसरा क्या है एप्लीकेशन बेस्ड है. द प्रोवाइडर जनरली डेवलप टूलकिट एंड स्टैंडर्ड फॉर डेवलपमेंट. This also provide channel for distributions of resources and payment details. तो जो भी हमारी payment detail है और जो भी distribution वगैरह हमारा जो होना है, जो fragmented हो रहा है, वो सारी चीजों की इसमें जरूरत पड़ती है. In this model, cloud provider deliver a computing platform that include operating system. ध्यान देना इस बात पे. Operating system, programming language, execution environment, database, web server. ये सब क्या है? Operating system क्या है? Software है. Programming language क्या होगी? Software हो गया. डेटाबेस भी अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, वेब सर्वर भी क्या हो गया. ये सारी चीजें क्या हैं? सारे क्या हैं? एप्लीकेशंस डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, एप्लीकेशन डेवलपर इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो क्लाउड कंप्यूटिंग का ये वाला पार्ट स्पेशली जो हमारा एप्लीकेशन डेवलपर है उसके लिए होता है. और एप्लीकेशन डेवलपर क्या होते हैं? जो एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं थ्रू ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एप्लीकेशन डेवलपर्स यूज दीज प्लेटफॉर्म टू डेवलप एंड रन देयर सॉफ्टवेयर instead of directly buying and managing the required hardware and software they need for their job. जो भी application developer है वो instead of कि हम नया hardware या software खरीद रहे हैं, वो क्या कर लेंगे, जो cloud provider है उससे lease पे लेंगे उसको, है ना, उसके लिए pay करेंगे, जो जो चीज उनको चाहिए payment pay करेंगे उसको, और वो access करेंगे वो facility.
एंड थर्ड है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल प्रोवाइड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस दैट यूजर हैव एक्सेस फॉर देयर रिक्वायरमेंट. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जो डेटाबेस है वो अगर हमको यूज वो करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वाली फैसिलिटी हम अवेल करेंगे. क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म दैट रन दीज एप्लीकेशंस. क्लाउड प्रोवाइडर ही इनको मैनेज करेगा, है ना, प्रोवाइड करेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म हमको प्रोवाइड करेगा, है ना, जिसमें हम इन एप्लीकेशंस को क्या कर सकें, रन कर सकें. तो ये हमारी जो है ये तीन टाइप की जो हमारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. पहला तो हमारा जो था हार्डवेयर से रिलेटेड था, दूसरा एप्लीकेशन डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू, तीसरा था हमारा जो डेटाबेस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से था. तीन चीजें हैं ये. और वेबसाइट की रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स. तो सभी लोग अवेयर हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट द वेबसाइट, है ना. वेबसाइट्स जो है हमारा एक डिजिटल माध्यम से हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से हम सारी जानकारी ले सकते हैं, अपनी जानकारी उसमें दे सकते हैं और सेल और परचेज कर सकते हैं. जैसा कि आपको इससे पहले लेक्चर में डिजिटल मार्केटिंग वाले में आपने देखा होगा. तो रोल्स ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट के मेन क्या क्या रोल्स होते हैं. सबसे मेन रोल होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन. वेबसाइट वो अच्छी मानी जाएगी जो अच्छी तरीके से डिजाइन हो और ईजी हो और यूजर फ्रेंडली हो, है ना, सिक्योर हो. आप उसमें कोई भी ऑपरेशंस कर रहे हो, कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वो क्या होनी चाहिए, आपकी सिक्योर होनी चाहिए. तो सबसे पहले क्या है कि क्या रोल है वेबसाइट का, जो पहला वो है क्रेडिबिलिटी, है ना. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि ए प्रोफेशनल वेल डिजाइंड साइट नॉट ओनली क्रिएट्स एन इनवाइटिंग एनवायरनमेंट फॉर विजिटर टू एक्सप्लोर योर कंपनी बट ऑल्सो बिल्ड ट्रस्ट विद योर पोटेंशियल कस्टमर. हमको क्या करना है, ट्रस्ट ना, ट्रस्ट भी हमको उसमें तभी होगा जब रिलायबल हमारी बने वेबसाइट क्या होगी, रिलायबल होगी, है ना. तो वो सारी चीजें. योर वेबसाइट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर बिजनेस. सो इफ यू वॉन्ट टू मेक ए गुड इंप्रेशन मेक श्योर यू हायर ए प्रोफेशनल वेब डिजाइनर दैट अंडरस्टैंड योर बिजनेस गोल्स. अब आपने कोई बिजनेस खोला और आपने कोई अपनी एक वेबसाइट बनाई, तो अब कस्टमर तो सब क्या है आजकल ऑनलाइन है, वो आपकी बिल्डिंग या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को थोड़ी देख रहे हैं, वो तो आपकी वेबसाइट से ही आपको जज करेगा. तो आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी बनी है, आपने कितने अच्छी तरह से अपने आप अपने जो भी आपका इंफॉर्मेशन है या जो भी प्रोडक्ट है वो आपने किसी एक्सप्लेन किए हुए हैं, उस पर पेमेंट मोड कितना सिक्योर है आपका, वो भी डिपेंड करता है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई अगर आप कोई वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो आपको या तो प्रोफेशनली जो डिजाइनर है उसका, है ना, जितना जिसको बहुत अच्छी नॉलेज हो उससे आप उसको डिजाइन करवाओगे, जिससे क्या होगा डिजाइनिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो वेबसाइट जो डेवलप होगी वो भी हमारी वो होती है. विजिबिलिटी दूसरा है, वेबसाइट विजिबिलिटी. मोस्ट पीपल रिले ऑन इंटरनेट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग सिंस मोर एंड मोर कंज्यूमर आर सफरिंग द इंटरनेट. अब आपको क्या है कि सारे काम क्या कर रहे हैं, जितने भी आजकल शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, आजकल कस्टमर क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हो रहा है और इन चीजों को पसंद कर रहे हैं, है ना. तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे जितने भी सर्विसेज वगैरह हैं वो प्रॉपर वे में विजिबल हो आपकी, ठीक है. जो आपकी बिजनेस की नीड्स हैं वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए कस्टमर को. नेक्स्ट, अपीयरेंस, ब्रांडिंग एंड पब्लिक रिलेशंस. अपीयरेंस में क्या है, द वेबसाइट इज द फर्स्ट थिंग दैट पीपल हु आर लुकिंग फॉर योर बिजनेस विल ट्राई टू फाइंड, ठीक है. वेबसाइट के माध्यम से ही आपको आज का जो है भी ये जो डिजिटाइजेशन जितनी पॉपुलर होते जा रही है, तो आपकी वेबसाइट से ही आपकी बिजनेस की पहचान बनती है, पहला इंप्रेशन वही पड़ता है. द इंफॉर्मेशन यू प्लेस ऑन द वेबसाइट इज ऑफिशियली द स्टेटमेंट दैट यूर बिजनेस इज गिविंग टू द वर्ल्ड. एंड सेकेंड इज द ब्रांडिंग एंड पब्लिक रिलेशन. तो वेबसाइट के थ्रू से आप अपने जितने भी आपका जो भी जिस टाइप का भी वर्क है आपका, जो भी आपका प्रोडक्शन है या जो भी है, आप ब्रांडिंग वगैरह आप अपनी वेबसाइट से कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट वगैरह के थ्रू. पब्लिक रिलेशन, वेबसाइट के माध्यम से ही आपकी जो कंज्यूमर है, जो आपके जितने भी आपके जो
पार्टनर कह लो या जो आपके कस्टमर हैं, ये सारी चीजें आपके साथ जुड़ते हैं वेबसाइट से. एज नोटेड अबव द वेबसाइट इज ए टूल फॉर ब्रांडिंग एंड पब्लिक रिलेशन, इट विल बी है ना, ये तो ये सारी चीजें ये क्या करेंगे, ब्रांडिंग और पब्लिक रिलेशन में भी ये हेल्प करता है हमारा. और इससे वेबसाइट से हमारी सेल्स भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. द ऑनलाइन मार्केटिंग द वेबसाइट इज द अल्टीमेट टूल फॉर एग्जीक्यूटिंग ए सेल्स स्ट्रेटेजी. यू कैप्चर पीपल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इंक्लूडिंग सर्च इंजन एंड सोशल मीडिया एज पार्ट ऑफ योर ऑनलाइन मार्केटिंग कंपेनिंग. व्हेन दे गेट टू योर वेबसाइट दे अराइव एट ए स्पेशल पेज दैट कैप्चर दैट डिटेल्स एंड मूव देम टू टेक एक्शन. तो आपकी वेबसाइट में देखेगा वो क्या आप किस टाइप की, कौन सी आपकी फैसिलिटी है, क्या आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस वेबसाइट के थ्रू आपका सेल्स या परचेज जो भी आपकी ऑपरेशन है वो सारी चीजें करेगा. एंड की रूल्स एंड गाइडेंस फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स कंपाइलेशन. नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो NIC हम जिसको जानते हैं हैज डेवलप्ड दीज गाइडलाइंस. तो ये गाइडलाइंस किसके थ्रू डेवलप्ड हुई है, NIC के थ्रू. नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हैज डेवलप्ड दीज गाइडलाइंस एज एन इनिशिएटिव अंडर द नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट. डेवलपमेंट ऑफ दीज गाइडलाइंस इन्वॉल्व्ड एन एक्सटेंसिव consultations process involving representative from National Informatics Center and various other Indian government departments at the center and state level. So, ye kaun kaun si hai? The first one is the building confidence. Hai na? Confidence build karne ke liye sabse pehle kya hoga? Content copyright. Copyright means, copyright is a form of protection provided to the owner of original works of authorship in any form of or media. It is implied that the original information put up on the website by a government department is by default a copyright of the owner. Content जो होते हैं copyright रहते हैं कि ताकि उसको कोई वो न कर सके, उसको चुरा न ले आपका. तो अगर आपके copyright होंगे तो आप अगर कोई वो कर रहा है तो उसको पहले तो करेगा ही नहीं, करेगा तो आप उस पर केस कर सकते हो क्योंकि आपने copyright वगैरह वो किया है. तो ऑलमोस्ट ये जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स वगैरह होती हैं इनके जो कंटेंट होते हैं सारे क्या होते हैं, कॉपीराइट होते हैं. हाइपरलिंकिंग, कंटेंट हाइपरलिंकिंग क्या होता है, हाइपरलिंकिंग मतलब वेबसाइट के अंदर पेजेस होते हैं, है ना, वेब पेजेस होते हैं. तो एक पेज से हम दूसरे पेज में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं. तो आप देखेंगे वेब पेज में कोई ऐसा बटन आपका हाइपरलिंक बना होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, क्लिक करते ही दूसरे पेज में आप पहुंच जाते हैं. ऐसे ही आप एक चीज और देखते हैं इसमें, जैसे कोई आपने वेबसाइट देखी शायद गवर्नमेंट की वेबसाइट आप कोई जा रहे हो, तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट में जा रहे हो तो उसमें क्या होता है कि हाइपरलिंक्स के थ्रू उससे, जैसे आपने कभी IRCTC वगैरह में रिजर्वेशन वगैरह कराया होगा तो उनकी वेबसाइट्स में क्या होगा ना, एयरलाइंस एयर इंडिया वगैरह की भी आपकी हाइपरलिंकिंग वहां पे मौजूद रहती है. तो एक साइट से जो उसके पार्टनर दूसरा उससे इंटरलिंक्ड है, दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन से, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में भी आप मूव कर सकते हो. हाइपरलिंकिंग एक पेज से दूसरे पेज में जाना, ये सारी चीजें. कंटेंट हाइपरलिंकिंग, सिंस गवर्नमेंट वेबसाइट ऑफन रिसीव क्वेरीज एंड रिक्वेस्टेड फ्रॉम ओनर ऑफ अदर वेबसाइट्स, अगर हमको कोई दूसरे वेबसाइट की इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो इसमें हाइपरलिंकिंग हमको हेल्प करती है. प्राइवेसी पॉलिसी, नेक्स्ट है प्राइवेसी पॉलिसी. गवर्नमेंट वेबसाइट should follow an extremely cautious approach when it comes to collecting personal detail information about the visitor to the sites. ये सब क्या कर, ये responsibility भी है कि भाई privacy maintain रखना, है ना, ये भी confidence के अंदर आता है आपके, कि आपकी जो consumer है या जो user वगैरह है उसकी privacy भी क्या रहे, maintain रहे. जैसे आपने कोई site से बनाया, आपने अपना कोई login ID वगैरह वगैरह बना रखा है तो वो आपकी हाइड रहेगी दूसरे से, जो भी आपके कॉन्फिडेंशियल जो डेटा है वो आपका हाइड रहता है. टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं विद द इंक्रीज, है ना, इसको आप टर्म्स एंड कंडीशन दिए रहेंगे. इसमें आपने देखा होगा कोई भी आप साइट्स पे अगर आप क्या करते हैं, आप अगर साइन अप करते हैं तो आप उसको टर्म्स एंड कंडीशंस आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, तब जाके क्लिक करेंगे तभी आप उसमें साइट्स पे आप अपना लॉगिन वो बना सकते हैं. तो इसमें ओनरशिप डिटेल्स ये आपको देनी होती है पूरी, है ना, यूजेस पॉलिसी ऑफ कंटेंट, लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं आपके ऑर्गेनाइजेशंस के, ये सारी चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हाइपरलिंक साइट्स, ये सारी चीजें आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर आएंगे. दूसरा है हमारा स्कोप ऑफ कंटेंट.
इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन और दूसरा इंफॉर्मेशन टू अवॉइड, हमको कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए देनी है ये इसके अंदर आता है, और दूसरा है इंफॉर्मेशन टू अवॉइड, कौन सी इंफॉर्मेशन हमको अवॉइड करनी है ये इसके अंदर आता है। थर्ड वन इज द क्वालिटी ऑफ कंटेंट, द कंटेंट शुड बी सिलेक्टेड कीपिंग द ऑडियंस इन माइंड नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव, जो ऑडियंस है हमारा जो यूजर है उसको माइंड में रख के हम क्वालिटी को क्या करते हैं डेवलप करते हैं। होम पेज ऑफ द वेबसाइट शुड बी डिजाइंड केयरफुली एंड इफेक्टिवली टू प्रोवाइड ए गुड इंटरफेस फॉर द सिटीजन, सबसे मेन होता है होम पेज, होम पेज में ही सारी चीजें एक टाइप से वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर या पूरा वो हमारा होम पेज पे ही मिल जाएगा क्या क्या फैसिलिटीज के अंदर है। फिर होम पेज पे आप क्लिक करते ही दूसरे पेज में आप चले जाते हैं, तो ये होम पेज क्या होना चाहिए केयरफुली डिजाइंड होना चाहिए वेल मैनर्ड में, ताकि एक्सेस करने में हमको पता चल जाए कि कौन से पेज में कौन से लिंक में कौन सी इंफॉर्मेशन हमारी वो है। तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट ये हमारे इसके अंदर डिजाइन, डिजाइन के अंदर हमारा आता है विजुअल आइडेंटिटी, द ब्रांडिंग ऑफ ए वेबसाइट कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग कॉमन डिजाइन एलिमेंट सच एज कलर्स लोगोज स्टाइल एक्सेट्रा, है ना, ये सारी चीजें हमको कहाँ पे देने हैं, लोगो कहाँ पे देना है, कलर्स किस टाइप का होना चाहिए, स्टाइल्स किस स्टाइल में हमको देना है, ये सारी चीजें डिजाइन के पार्ट है। पेज का लेआउट कैसा होगा, है ना, ये सारी चीजें ग्राफिक्स बटन एंड आइकन्स इन ये इसके अंदर आते हैं, ग्राफिक्स कौन कौन से आप डाल लो, बटन्स है ना, हाइपरलिंक बटन कौन से हैं, नॉर्मल बटन्स कौन से हैं, आइकन्स कौन कौन से यूज होंगे, लोगोस कहाँ पे यूज होगा, कौन कौन से पेज में होगा, कलर प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड, दो टाइप के कलर हैं, एक तो बैक कलर होता है, एक हम बोलते हैं टेक्स्ट कलर और एक बैकग्राउंड कलर, है ना, बैक कलर कैसा, तो कॉन्ट्रास्ट भी हमको लगना चाहिए, ऐसा कलर ना हो कि जो टेक्स्ट कलर में और बैकग्राउंड कलर सेम ना हो, जिससे अगर सिमिलर हम डालेंगे तो पढ़ने में नहीं आएगा, वही सारी चीजों का भी ध्यान इसके अंदर रखा जाता है। डेवलपमेंट के अंदर आता है हमारा मार्कअप लैंग्वेज, इसमें हम एक लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं जैसे HTML है DHTML है ना, ये सारी चीजें PHP वगैरह ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई आपके नीचे। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में PHP हो गया, JSP हो गया, Perl हो गया, ASP.NET, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग ये इसके अंदर आती है, ये डेवलपमेंट के पार्ट हैं। मार्कअप लैंग्वेज हो गया, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गया, फाइल फॉर्मेट कौन सा आप दे रहे हो ये इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, फाइल फॉर्मेट हो गया आपका JPG है, GIF है, PNG है, डॉक फाइल है, PDF है, किस टाइप का है, तो डॉक्यूमेंट फॉर्म ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट्स, ठीक है, कौन सी साइट्स में आपको देना है ये सारी चीज़ें भी अच्छी तरह से हो। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विजन इज ट्रांसफर इंडिया इनटू ए डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी, जो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन इंडिया टुक ए ब्रॉडर डायमेंशन इन द माइंड 1990 फॉर वाइडर सेक्टरल एप्लीकेशंस विद एम्फेसिस ऑन सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। तो अब ये जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है इसके अंदर हमारे क्या क्या इसके क्या क्या हमारे फीचर्स हैं, कौन कौन सी साइट्स ऐसी हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। एज इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स कौन कौन से ले गए इन फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर्म में आधार, है ना, आधार जो हमारा आधार है, आधार ये जो है, तो इसके लिए जो साइट्स हैं हमारी www.uidai.gov.in पे हम जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द की पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया वेयर इन एवरी रेजिडेंट ऑफ द साइट्स हैं जितने भी इंडियन इंडियन रेजिडेंट हैं हमारे, उन सबका एक आधार कार्ड उनको इस साइट्स के माध्यम से दिया जाता है। दूसरा है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क pbnl.nic.in, ये क्या करता है, इट इज ए स्पेशल पर्पज व्हीकल सेट अप अंडर कंपनीज एक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट हैज बीन मैंडेटेड टू क्रिएट ए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इन इंडिया। थर्ड है सेंट्रिक फॉर एक्सीलेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, सेंट्रल फॉर ऑफ एक्सीलेंस ये क्या है COEIoT.in पे हम जाएंगे इसके लिए। द सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑफ द IIT अनाउंस ए पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव टू जंप स्टार्ट द IoT इकोसिस्टम टेकिंग एडवांटेज ऑफ इंडिया IT स्ट्रेंथ एंड हेल्प टू कंट्री अटेन ए लीडरशिप रोल इन द कन्वर्जेंट एरिया ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट है हमारा कॉमन सर्विस सेंटर CSC.gov.in पे है ये,
ये क्या करता है, सीएससी आर द एक्सेस पॉइंट ऑफ डिलीवरी ऑफ एसेंशियल पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, जितने भी हमारे जो कॉमन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंशियल हो गया, एजुकेशनल और एग्रीकल्चर सर्विसेज वगैरह होगी, ये सब इसी के अंदर आता है ना, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, रिसीव टू सिटीजन एंड रूरल रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री। तो सीएससी के थ्रू हम ये सारी चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट जो साइट्स हमारी हैं। नेक्स्ट है साइबर स्वच्छता केंद्र, इट इज ए, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो क्लीनिंग और मेलवेयर एनालिसिस सेंटर है, जितने भी हमारा ये बोटनेट क्लीनिंग एंड मेलवेयर एनालिसिस सेंटर है उसके लिए होता है ये। दिस सेंटर इज सेटअप इन accordance with the objective of the national cyber security policy which envisages creating a secure cyber ecosystem in the country. And the next one is the Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana, ek nayi ye bhi ek yojana hai, ye bhi ek site hai, ye kiske liye design ki hai, to provide continuous power supply to the entire rural India. To ye jitne bhi power supply se related issues wagera hoti hain uske liye ये साइट्स बनाई गई है। डिजी लॉकर का नाम सुना होगा आपने, डिजी लॉकर क्या होती है, डिजी लॉकर भी हमारे है, digisevak.gov.in पे आप जाएंगे तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी किस चीज के लिए है, ये डिजी लॉकर इज ए डिजिटल वॉलेट टू एम्पावर सिटीजन डिजिटली, है ना, ये क्या करता है कि जो डिजिटल वॉलेट एम्पावर सिटीजन डिजिटली, डिजिटली हम अपनी वॉलेट हम बना सकते हैं इसके डिजी लॉकर के हिसाब से। इट इज ए सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर इंश्योरेंस शेयरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल लाइफ लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स, है ना, इसमें हम स्टोर कर सकते हैं ये सारी चीजें जितने भी हमारी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं डिजी लॉकर में। नेक्स्ट है डिजिटल साक्षरता अभियान, है ना, दिशा नाम से भी हम इसको जानते हैं, और ये काहे के लिए होता है, formulated to impact IT training to आंगनवाड़ी और आशा वर्कर से रिलेटेड जितने भी हमारे इश्यूज होते हैं ये सारी चीजें। ऑथराइज रिएशंस डीलर्स इन ऑल स्टेट और सारे स्टेट्स में जितने भी हमारी आंगनवाड़ी वगैरह हैं उनके लिए हमारे डिजिटल साक्षरता अभियान साइट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है डिजिटाइज इंडियन प्लेटफॉर्म, है ना, द एम ऑफ डी आई पी इज टू प्रोवाइड डिजिटाइजेशन सर्विस फॉर स्कैन डॉक्यूमेंट इमेजेस और फिजिकल डॉक्यूमेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके माध्यम से हम ये फैसिलिटी कर सकते हैं। ई बस्ता, नेक्स्ट है ई बस्ता, दिस प्रोजेक्ट हैज क्रिएटेड फ्रेमवर्क फॉर टू मेक स्कूल बुक्स एक्सेसिबल इन डिजिटल फॉर्म। अभी ये इशू होता है ना, अलग अलग जैसे CBSE है, ICSE, अलग अलग बोर्ड है ये सारी चीजें, तो ये क्या करता है, एक ही हमने प्लेटफॉर्म दे दिया ई बस्ता। The main idea is to bring various publisher and schools together in one platform. तो एक platform के अंदर सारे publishers हैं, सारे board वगैरह हैं, ये सब इससे related issue इसके अंदर है हमारे। E-Basta के बाद है हमारा e-signature, है ना, digital signature की बात हो रही है यहाँ पे। Online electronic signature services which can be integrated with service delivery applications via open, अब जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो अब डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ऑथेंटिसिटी उसके लिए बनी होती है, ऑथेंटिसिटी के लिए हमारे लिए सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, तो आपको फिजिकल ना करके अपने डिजिटल सिग्नेचर आप बना सकते हैं। नेक्स्ट ई ट्रेड, द पर्पज ऑफ दिस इज टू फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड इन इंडिया बाय way of promoting effective and efficient delivery of services by various regulatory or agencies involved in the foreign trade, uske liye hota hai, foreign trade वगैरह के लिए होता है। Next है गर्व ग्रामीण विद्युतीकरण मोबाइल ऐप, है ना, gurv.ddugjy.in, the mobile application providers real time update data of ongoing electrification process to all user stakeholder and provider inform about government scheme and electrification data, उसके लिए होता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसके अंदर क्या करते हैं हम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम के नाम से भी जाना जाता है, इज ए सिंगल विंडो सॉल्यूशन फॉर ऑनलाइन यूज गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाई वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन और PSUs, तो ई मार्केट प्लेस के थ्रू ये सारी चीजें होंगी इनकी। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, उससे रिलेटेड इशू के बारे में
उसके लिए साइट्स है हमारी nhp.gov.in. The objective of IHIP is to enable the creation of standard compliant electronic health records of the citizens. तो ये health related issues के लिए हमारा ही work होगा इसमें. Next है IRCTC. सबको मालूम है Indian Railway Catering and Tourism. आप अपनी ऑनलाइन टिकट बुक्स वगैरह कर सकते हैं इसमें. कैंसिलेशन भी ऑनलाइन हो जाएगा आपका. सारी फैसिलिटी इंस्टेड ऑफ आपकी वहां पे विंडो पे जा रहे हो रेलवे स्टेशन पे, आप IRCTC से कर सकते हो. नेक्स्ट है जीवन प्रमाण. जीवन प्रमाण क्या करता है? जीवन प्रमाण इज ए बायोमेट्रिक इनेबल्ड डिजिटल सर्विस फॉर. हाँ, तो ये जो है जितने भी कैदी वगैरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैदियों की जानकारी या उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए साइट्स बनाई गई है. दिस सर्विस एम टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ इशूइंग लाइफ सर्टिफिकेट एंड मेक इट ए हैसल फ्री एक्सपीरियंस ऑफ द प्रिजनर्स पेंशनर. नेक्स्ट है ओपन गवर्नमेंट डेटा. OGD हम इसको बोलते हैं, इज ए प्लेटफॉर्म फॉर सपोर्टिंग ओपन डेटा इनिशिएटिव एंड इंटेंडेड टू बी यूज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट देयर ऑर्गेनाइजेशंस टू पब्लिश डेटा सेट्स डॉक्यूमेंट्स सर्विसेज टूल एंड एप्लीकेशन कलेक्टेड बाय देम फॉर ए पब्लिक यूज. ओपन गवर्नमेंट डेटा ये होता है data.gov.in पे जाके आप इसको कर सकते हो. सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स उससे रिलेटेड सारे वर्क इसके अंदर होते हैं. तो आप बहुत सारी साइट्स और भी इसके अंदर है हमारी. और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एज सर्विस है ना, उसके अंदर हमारा क्या आता है एग्री मार्केट ऐप. एग्री मार्केट ऐप के थ्रू हमारा जो है जितना भी एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क होता है. द मोबाइल एप्लीकेशन हैज बीन एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप विद एन एम टू कीप फार्मर जितने भी फार्मर वगैरह हैं उनके लिए ऐप बनाया गया है जो अपने जिसमें देख सकते हैं वो जो भी फसल की जो प्राइस है वो है ना बेचना और ये सारी चीजें आप सेल करना ये सारी चीजें इस ऐप के थ्रू वो कर सकते हैं ऑनलाइन. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक ऐप है हमारा wcd.nic.in के. द कंपेनिंग एम एट इंश्योरिंग गर्ल्स आर बॉर्न. तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम काफी उस पर चल रहा है अभी ये. तो ये साइट्स उसके लिए है, उसमें आप सारी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड क्या क्या फैसिलिटी गर्ल्स के लिए जो बेटी हुए हैं उनके लिए क्या क्या चीजें गवर्नमेंट ने क्या क्या कौन कौन से फैसिलिटी दे रहा है वो है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर आता है. भारत इंटरफेस फॉर मनी है ना, भीम ऐप आपने नाम सुना होगा UPI वगैरह पेमेंट करने के लिए, उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट के लिए हमारा जो होता है ये मोबाइल ऐप है. ये भी काफी सारे बैंक इसको सपोर्ट. आनंद सर, हाँ आनंद सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको. हाँ. मैं ये अभी जो लेक्चर है नेक्स्ट लेक्चर 2:30 पे स्टार्ट होगा. हाँ, तो वी हैव हाफ एन आवर लंच ब्रेक फॉर द पार्टिसिपेंट है ना. तो ठीक है सर, मैं इसको कंक्लूड कर देंगे जल्दी कंक्लूड करता हूँ. ठीक है सर. थैंक यू. हाँ, तो ये डिफरेंट ऐप हैं ये आप इन ऐप के थ्रू ये आप देख सकते हैं क्या क्या फैसिलिटीज के अंदर हैं. क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम है ना, ये वाला ऐप है हमारा ncrb.gov.in में. इसका जो मेन एम है इट टू क्रिएटिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर एनहांसिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पुलिसिंग थ्रू अडॉप्टिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ई गवर्नेंस एंड क्रिएशन ऑफ ए नेशनल वाइड नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर. नेक्स्ट है क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो यूज टू कैलकुलेट द इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ नोटिफाइड क्रॉप बेस्ड ऑन एरिया कवरेज अमाउंट एंड लोन अमाउंट इन केस ऑफ लोनी फार्मर. उनके लिए फार्मर लोन के लिए ये बनाया गया इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए. डिजिटल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स, इसके लिए आप ehospital.nic.in ये वाला ऐप है ना, इसके थ्रू आप क्या कर सकते. इसका जो मेन एम है द डिजिटल एम्स प्रोजेक्ट इज टू क्रिएट एन इफेक्टिव लिंकेज बिटवीन एम्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ई ग्रंथालय इज एन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. आप अलग अलग डिफरेंट बुक्स वगैरह इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो पढ़ सकते हो एक्सेस कर सकते हो
उनके कैटलॉग्स वगैरह देख सकते हो, ई पंचायत है ना, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स है ये भी फॉर द रूरल सेक्टर, जो रूरल जहाँ पे पंचायत सिस्टम फॉलोड होता है, प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, अटेम्प्टिंग ऑटोमेशन ऑफ ग्राम पंचायत फंक्शंस, क्या क्या इसमें ग्राम पंचायत के अंदर क्या क्या फंक्शंस वगैरह आते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ई बिजनेस की बात हो रही है ना, बी टू बी, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर कंज्यूमर टू बिजनेस, क्या क्या फैसिलिटी हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस, कैसे कैसे उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, ये सब इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ई बिजनेस आप कर सकते हो, ई डिस्ट्रिक्ट, ई डिस्ट्रिक्ट डॉट जी ओ वी डॉट इन में आप क्या कर सकते हो, एडमिशन ऑफ द स्टेट बाय प्रोवाइडिंग आईसीटी सपोर्ट फॉर द पार्टिसिपेटिंग डिपार्टमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर सेलेक्टिंग कैटेगरी ऑफ सिटीजन। जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के हमारे जितने भी गवर्नमेंट फैसिलिटी वगैरह जो हमारी वो मिलती है, तो इस डिस्ट्रिक्ट से हम इसको ले सकते हैं। ई ग्रीटिंग्स, आपको ग्रीटिंग्स वगैरह भेजने हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह भेजने है ना, और ये सारी चीजें आप ई ग्रीटिंग्स से आप एक्सेस कर सकते हो। ई हॉस्पिटल, कोई आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन वगैरह लेनी है और कोई जानकारी लेनी, तो इसमें आप देख सकते हैं। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये भी फार्मर के लिए है, जो हमारे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कहाँ क्या रेट है, कैसे आपको इसको आपको फसल बेचनी है, कहाँ पे क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। ई ऑफिस है ना, ऑफिस रिलेटेड वर्क्स जितने भी, ई पाठशाला है ना, ई पाठशाला जो है, जो भी एजुकेशनल रिसोर्सेज जितनी भी हैं, ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्सेज वगैरह सब ई पाठशाला से आप ले सकते हो। ई पी एफ वाला, आपको पता है ई पी एफ ओ है ना, epfindia.gov.in, सब ऑनलाइन सारा चीजें आप देख सकते हो, आपका ईपीएफ लॉगिन आईडी और आप अपने के थ्रू, लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू आप देख सकते हो आपका ईपीएफ कितना जमा हो रहा है, जमा हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, ये सारी चीजें। तो ये साइट्स हैं कुछ, इसमें और भी मैंने इसमें डाली हुई काफी हैं। ई वीजा, वीजा के लिए हो गया, फार्मर पोर्टल, तो डिफरेंट डिफरेंट, जीआईएस के लिए है ना, खोया पाया अगर कोई चीज आपकी खो गई होगी तो उसके लिए भी आपके पास है। तमाम बहुत सारी साइट्स इसके अंदर हैं गवर्नमेंट जो प्रोवाइड हमको कर रही है। ई रक्तकोष, ब्लड बैंक से रिलेटेड है ना, ये हमको मालूम नहीं है, इतनी सारी चीजें हमको ऑनलाइन हमारे पास है, इतनी फैसिलिटी। नेशनल कैरियर सर्विसेज, एनएसपी, एनवीएसपी, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, उस पर जाके आप देख सकते हो सारी चीजें। परिवहन पोर्टल है ना, आरटीओ ऑफिस से रिलेटेड सारे वर्क, सारे जितने भी ऑनलाइन वर्क परिवहन पोर्टल पे होते हैं। पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट, हम ऑनलाइन अपना पासपोर्ट अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर होती है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग वेबसाइट फॉर ई कोर्ट्स, कोर्ट से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं, जुडिशियल मैटर जितने भी हैं। स्वच्छ भारत ऐप है ना, काफी पॉपुलर हो रहा है, तो एक बार इनको आप देख के इनकी हेल्प से आप अपने जितने भी जो भी वर्क हैं वो कर सकते हो।